हिल रहा है। तो हिलेगा नहीं? हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं सिसु वाटरफॉल, बहुत मजा आएगा डेफिनेटली। और अभी हम, हाँ जी बोलो बोलो। नहीं, कह रही कि फाइनली जाने वाले हैं, जिस दिन आए पहले सोचा उस दिन जाएंगे, फिर हमने कल सोचा कि कल बारह लाचा जाके फिर उसके बाद सिसु जाएंगे, वो भी कैंसिल कर दिया, और आज फाइनली हम सिसु जाएंगे। हम रात को रुके हुए थे स्टे पे, और अंकल की जो होस्टिंग है ना, मज़ेदार खाना, मज़ेदार बातें, और बहुत इन्जॉय किया हमने बैठ के रात को। और ये सामने इधर खिड़की, और खिड़की से बाहर का व्यू भी एकदम ज़बरदस्त वाला है। तो बाकी सारी मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा अगर आपको कभी आना हो तो। ये देखो प्रिया माउंटेंस का नज़ारा लेती हुई, ये एप्पल के पेड़, ये नीचे गोभी लगी हुई है, और ये है लेटिस रेड वाला, और ये कुछ ग्रीन हाउस भी बना रखा है अंकल ने। मतलब अगर आप किसी को फार्म हाउस का नज़ारा लेना ना तो ये बेस्ट जगह। प्रिया जी वेट करते हुए ईगरली फॉर द ब्रेकफास्ट, पराठा खाएगा आज। हैं पता नहीं, वो तो अंकल लेके आएंगे तब पता चलेगा कि बना क्या। जितेंद्र ने कैसे अपनी उम्मीद लगाई है पराठा मिलेगा। अब लग रहा है कि एक दिन और रुक जाना चाहिए, सिर्फ यहीं पे रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है। तो अंकल ने हमारी विश पूरी कर दी सुबह सुबह है, आज पराठा खाने का मन था। अच्छा। बोल रहे थे, कहते पराठा आएगा, मैं आपको कैसे पता पराठा ही आएगा, इन्होंने गेस कर लिया ऐसे ही। अच्छा। वैसे आपके यहाँ पे स्पेशल क्या खाने में ऐसे अलग? आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो वैसे? वैसे ब्रेकफास्ट चपाती या भटूरू जो होता है। अच्छा, भटूरू खाते ना। हम स्पीति गए थे ना, वहाँ पे उन्होंने हमें खिलाया था जैम के साथ। इस साल तो परांठे ही चले हमारे। अभी जैसे ये बहुत हरा भरा हो रखा है ना इस टाइम, तो ये है जी अंकल का होम स्टे, वैली व्यू होम स्टे, नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं, और ये हैं अपने अंकल जी। तो अभी इनको सेवा का मौका जरूर देना, कभी कोई इधर को आए सिसु और गोंडला वाली साइड तो ये इनके पास जरूर आइए। बहुत बढ़िया होम स्टे है, साफ सुथरा एकदम, और खाना बहुत मस्त है अंकल जी, मज़ा आ गया खाना खा के। मज़ा आ गया। तो चलो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, जाना है हमने सिसु, सिसु वाटरफॉल का हमने अंकल से पूछ लिया रास्ता वगैरह सब, तो जाते जाते वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर सीधा चंडीगढ़। चलिए अंकल जी आपसे फिर मिलते हैं ना, फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं ना। हम लोग अभी रुक गए हैं सिसु से जस्ट पहले, तो अगर आप मनाली वाली तरफ से आओगे ना तो सिसु से थोड़ा सा आगे, जैसे 500-400 मीटर आगे, ये हेलीपैड है, वो सामने वहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये नीचे पूरा मेला लगा हुआ है। लोग यहाँ पे, पता क्या, यहाँ पे जिप लाइन होती है नीचे, और तो मुझे पता नहीं क्या स्पोर्ट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे बोटिंग और जिप लाइन, ये तो मुझे कन्फर्म है कि ये दोनों चीज़ें होती हैं। और ये सिसु लेक है नीचे, भाई साहब इतनी सुंदर लग रही है ये लेक, पूरी ग्रीन ग्रीन एकदम मस्त वाली, और वो सामने है सिसु वाटरफॉल सामने जो दिख रहा है, और वहीं हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी लेक इधर से, ये देखो नीचे ये वाला ग्रीन ग्रीन घास है नीचे, पता नहीं मस्त लग रहा है, पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये, मज़ेदार एकदम मज़ेदार। और नीचे तो पूरा मेला लगा हुआ है प्रिया। सही बात है, बहुत ज़्यादा रश है उधर। मैं तो वो वाटरफॉल देख रही हूँ ना, मेरे को देख के ऐसे हो रहा है, क्योंकि देखना पानी कैसे उछल रहा है वहाँ से, वो लोग गए हुए हैं, ज्यादा आवाज होगी, लोग तो गए हैं, लोग जाते हैं ना, वो लोग गए हुए हैं, अभी हम भी वहीं जाने वाले हैं, ट्रैक करके जाना पड़ता है, बट उधर के लिए एक्साइटेड है।
हम तो आ गए पुल के पास बिल्कुल, लेकिन हिम्मत सी नहीं हो रही जाने की इसके ऊपर, क्योंकि पानी का फ्लो देखो और पुल, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सही सलामत है भी है कि नहीं। तो हिल रहा है। तो हिलेगा नहीं? देख सकती। मजेदार पुल है ये, तो ऐसे हो रहा है कि ऐसे ऐसे सीधा चलते रहो, इधर उधर नहीं देखना। हिल रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नीचे से दिख जा रहा है कभी कभी। मम्मा अब क्या हो गया? अब एंड पे आ गए। मेरे को ऐसे हो रहा है मैं पत्थरों पे गिर जाऊं पर पानी में ना गिरूं। ओ भाई साहब, अब पीछे देखो तो चक्कर आ जा रहा है। हाँ। सिसु वाटरफॉल देखेंगे ये। ये सीधा आपको नीचे 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 वाला रास्ता लेना है, वो सामने लोग जा रहे हैं ऊपर, वो ग्रिल बनी हुई है ना, शायद दिख जाए आपको, वहाँ से चढ़ते चढ़ते वो ऊपर जाके ऊपर ऊपर वो लोग बैठे हैं ऊपर, वहाँ पे जाना है हमें। तो बस पहुँचते हैं फटाफट, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का। और आने के लिए यही पुल है, इस पुल से आपको क्रॉस करके आना है और नीचे तक गाड़ी आ जाती है, वहाँ पे ऊपर ना पुलिस की चेक पोस्ट है, तो एग्जैक्ट जहाँ पे लाहौल स्पीति वाले पुलिस की चेक पोस्ट है वहाँ से आपको नीचे को रास्ता उतरता है, वहाँ से नीचे उतार देनी है गाड़ी। ये जिप लाइन बनी हुई है और मोस्टली लोग अभी यहाँ से आते हैं, जो रास्ते से हम आए पुल वाले से वहाँ से तो हमें कोई भी नहीं दिखा, तो मतलब मोस्टली लोग यहाँ से आते हैं शॉर्टकट। हवा चल रही है यहाँ पे मस्त, फवारे लगे हुए हैं, पानी से हवा आ रही ठंडी ठंडी, और हम लोग वो कहाँ पे पुल दिख रहा है वहाँ से इतना पैदल चल के हैं, जबकि लोग शॉर्टकट आ रहे हैं यहाँ से। अभी चलते हैं ऊपर फिर देखते हैं कैसा नज़ारा दिखता है। और नीचे हमने आंटी से पानी की बोतलें मांगी तो कहते नहीं यहाँ पे तो नहीं है, ये ना ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर ऊपर हम 40 की बेचेंगे। मैं कह ये सही से कोई और लेके जा रहा था, और ये नीचे थे भैया, उधर नहीं पूछा उन्होंने, ऊपर ही देंगे ये। हम लोग अभी आधे तक पहुँचे और प्रिया कह रही कि कहीं ऑक्सीजन की कमी से मैंने लुढ़क गया हूँ। बेटा यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये तो तुम्हारी ब्रीदिंग वीक है। जो मर्जी है तो ऐसे मत सांस लो ना, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, स्टेबल करके लंबी लो, बहुत दर्द हो रहा है, लंबी सांस लो, कुछ नहीं हो रहा। तो यार ये जितना छोटा और जितना नीचे लगता है ना उतना है नहीं, बहुत ऊपर आ गए हम लोग चढ़ते चढ़ते, और ये अभी हम लोग ऑलमोस्ट बिल्कुल हेडवे पहुंच गए हैं वाटरफॉल के, और नीचे पानी का फ्लो देखो यार। हम लोग यहाँ पहुंच तो गए ऊपर तक, लेकिन ये सारा गीला गीला हो रखा है नीचे, तो बड़ा ही ध्यान से मतलब चलना पड़ रहा है यहाँ पे। और ये पानी, ओए होए होए होए, अरे भाई साहब देखो, आपको भी शायद कैमरे पे फील हो रहा हो पानी आता हुआ, पर कभी कभी तो इतना ज़्यादा आता है ना, गीले हो गए हम लोग पूरे। ओह ये देखो मेरे, मजेदार एक्सपीरियंस है। प्रिया कैसा लग रहा है गीले हो गए? मेरे तो हाथ देखना, मैं कैसे आई हूं मिट्टी के ऊपर चढ़ चढ़ के, और कभी-कभी पानी ना हवा से ऐसे आ रहा है मुंह की तरफ, बड़ा मजा आ रहा है। अरे रुको मैं कैमरा साफ कर देता हूं। भाई साहब मजेदार एक्सपीरियंस है ये, मजेदार। बहुत ही ऊपर आ गए हम लोग, बहुत ज़्यादा। ये बैठी हुई प्रिया भी इंजॉय कर रही है, थोड़े थोड़े हम गीले हो चुके हैं और अब धूप लग रही है ना, तो मज़ा आ रहा है, हवा लग रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है।
पहले हम वो आगे गए हुए थे वहाँ पे, तो यार पानी आके ना पूरा गीला कर दिया, मैं तो पीठ से पूरी भीग गया हुआ हूँ और मतलब पूरा पूरा भिगो दिया एकदम ना, पानी आ रहा है कभी कभी आ रहा है कभी कभी नहीं आ रहा है। पर यार वो वाला आगे वाला सेक्शन ना बहुत रिस्की है, वहाँ पे कीचड़ कीचड़ सा हो रखा है थोड़ा, और अगर बनता फिसला ना वहाँ से तो भाई साहब कोई रुकने की जगह नहीं है, सीधा नाले में, और है भाई ख़तरनाक जगह, मज़ेदार सा एकदम। और इस टाइम तो भाई मज़ा आ रहा है, अब थोड़े कपड़े भी गीले हो गए ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे हवा लग रही ठंडी ठंडी, पर भाई साहब ख़तरनाक चीज़ है ये, खतरनाक। तो यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट तो नहीं, भेड़े हैं बहुत सारी जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है। भाई साहब भेड़ बकरियों ने जाम लगा रखा है। और यार ये सामने वाली गाड़ी है ना, इसमें से बंदे ने कैन फेंका बाहर शीशा खोल के, पता नहीं क्या करते हैं लोग यार, महाराष्ट्र की और कहां से गाड़ी आई होगी, और ये मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता यार, लोग इतने केयरलेस है ना। असल में इनका कसूर नहीं है, इनको किसी ने शायद बताया ही नहीं है कभी कुछ। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये पहाड़ी है पूरी जिसको टनल ने क्रॉस कर दिया। हाँ ये ऊपर तक देखो, नीचे तो छोड़ो ऊपर वाली देखो तुम, वो है मेन बर्फ। बहुत ज्यादा इजी किया यार, बहुत ज्यादा इजी, सारे लोगों को कनेक्ट, बहुत ज्यादा इजी। वहां गाड़ियां लगा लेते हैं ना सामने, अब तो यहां भी रश होने लगे क्योंकि यहां पे इन्होंने वो बना दिए गाड़ियां वगैरह खड़ी करने के लिए, तो यहीं से पैदल आ जाओ। फाइनली हम आ गए पिकनिक स्पॉट पर ने, तो यार ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पे हमने पहले भी कभी आके मैगी बनाई थी और खाई थी। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, है ना, ये वाली जगह तो बहुत प्यारी है। ऑल तो यहाँ पे लोगों ने कचरा बहुत फैला रखा है, लेकिन फ़िलहाल हमने सेटअप कर दिया मैगी, तो मैगी बनाएंगे भी फटाफट से मैगी, और फिर अगर मन किया तो कॉफ़ी भी पियेंगे। अभी हम जस्ट मंडी पहुंचने वाले हैं यार, और टाइम 5:30 हो चुके हैं, और यार ये जहां से टनल बननी शुरू हुई है ना मंडी के बाद वाली, ये वहां से जाम लगा हुआ है भाई साहब, बहुत ज़्यादा जाम है यार। और चल रहा है धीरे धीरे, मूव होता जा रहा है, लेकिन काफ़ी लंबा जाम, मुझे लगता है 2 किलोमीटर के आसपास तो हमने कवर कर लिया हरियाणा, और मुझे लगता है ये 2 से 3 किलोमीटर पीछे लंबा जाम है, अभी आगे पता नहीं कितनी दूर और है। यहाँ से एक्चुअली टनल शुरू होने वाली है, तो बस ये वाला सेक्शन रह गया, आधी शुरू कर दी है आधी रहती है, यहाँ से लेके जाम है अभी, अभी आगे तक भी है जाम वैसे पूरा, बट देखते हैं कितना निकलता है, लेकिन जिस दिन ये बन गई ना उस दिन काफ़ी सारा काम अपना आसान हो जाएगा। तो यार टाइम 7:15 हो गए हैं, और इतना ट्रैफिक है ना पूरा मंडी, और उसके बाद अभी हम सुंदरनगर पहुँचे हैं, और पूरा लाइनें लगी हुई हैं, पता नहीं इतना जाम किस चीज़ का लगा हुआ, अभी पता नहीं, आगे तक वैसे ही चल रहे हैं धीरे धीरे, और अब बस हो चुकी है ना, 4 घंटे हो गए, गाड़ी को भी रेस्ट नहीं दी और ख़ुद भी रेस्ट नहीं ली हमने, तो अब मेरा मन कर रहा था कि एक बार चाय पी लेते हैं और थोड़ी गाड़ी को भी रेस्ट दे लेते हैं, और मुझे लग रहा है अभी गूगल बता रहा था कि 3 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है अभी 4 से 5 घंटे लग जाएंगे ना भैया। इस वीडियो में यार इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे कुछ है नहीं दिखाने को, वो तो आपने पहले भी देखा होगा, पहली वीडियो में भी मैंने रास्ता दिखाया वो सारा। चलो फिर मिलते हैं किसी और नई सीरीज़ पे, किसी और नए टिप पे, किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।